बरसों से इतने बड़े बड़े महान संत लोग आए हैं और यहाँ पर अपना छाप छोड़कर गए हैं। मैं यहाँ पर आती हूँ तो मैं हमेशा सूरदास जी का पद, मीरा जी, ऐसे ऐसे भक्तों को मैं ढूंढती हूँ। चैतन्य महाप्रभु जी जिन्होंने वृंदावन को आपका वापस पुनः उद्धार करके दिया है और आप साधु संतों के हाथ में दिया है, तभी तो ये वृंदावन अभी चल रहा है। आज ये वृंदावन देखने को मिलता है, इसे देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ से श्रद्धालु लोग आते हैं, वृंदावन देखना है। क्योंकि मैं जब बाहर गांव जाती हूँ, विदेश में नृत्य का कार्यक्रम करती हूँ, तो वहाँ के कितने भी फॉरिनर्स जो हैं वो सब बहुत ही प्रभावित होते हैं और चाहते हैं कि मैं वृंदावन देखना। लेकिन वृंदावन में वही छवि है क्या जो कितने साल पहले जो होता? आध्यात्मिकता तो है वो, लेकिन छुपा हुआ है अंदर, उसके ऊपर इतना सब कुछ हो गया है कि वो कहीं ढूंढना पड़ता है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी ने ढूंढा था, ढूंढ के निकाला वृंदावन को वापस, उसी ऐसा किस्म का आजकल होते जा रहा है। इसीलिए तो हम लोग हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के हम सब जो मेंबर्स हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम ही लोग इसका उद्धार कर सकते हैं। मंकी का प्रॉब्लम बहुत है, मंकी ओमेक्स में भी बहुत घूम रहा है, जहाँ मैंने एक छोटा सा घर बनाया है, लेकिन उसके लिए देखिए वो को एग्जिस्टेंस है ना, वो मंकी कहाँ जाएगा? मंकी को भी लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ आने वाले जो यात्री लोग हैं ना, वो फ्रूटी देता है, समोसा देख देख के उसका खराब कर दिया, उसको सिर्फ फल दीजिए।